कार्ड कंपनी के ऑफलोड टीम लीडर समेत 3 गिरफ्तार, 8,24,000 के मोबाइल फोन बरामद, वॉचमैन के हत्यारे को भी पुलिस ने दबोचा। नई मुंबई पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पहला मामला कोपरखैरने पुलिस थाने का, जहां फ्लिपकार्ट कंपनी के ऑफलोड टीम लीडर वाजिद शकील मोमिन और उसके 2 साथियों संगपाल मोरे और जयंत उगले समेत 3 लोगों को कंपनी के साथ घपलेबाजी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उपायुक्त सुरेश मेंगड़े ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वाजिद फर्जी ग्राहक बनकर फ्लिपकार्ट कंपनी से खुद महंगे मोबाइल और आईपैड आदि मंगवाता था और डिलीवरी के दौरान सामान को घर ले जाकर उसकी पैकिंग खोलकर उसमें दूसरे सामान मिला देता था और असली सामान निकाल लेता था। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच की, जिसमें वाजिद के घपलेबाजी का खुलासा सामने आया। फ्लिपकार्ट कंपनी के कुछ लोग जो कंपनी के नौकर हैं, डिलीवरी बॉय है या ऑफलोडर टीम के मेंबर्स हैं, ये लोग आपस में मिलके इन्होंने फ्लिपकार्ट को बोगस नाम से और एक बोगस मोबाइल नंबर देके कुछ ऑर्डर्स दिए थे। वो ऑर्डर्स आने के बाद वो ऑर्डर्स 3 बार उसी पते पे जाके डिलीवर करने का कोशिश किया और वहाँ का एड्रेस फेक है और वहाँ का मोबाइल स्विच ऑफ है, ऐसा बता के वो जो डिलीवरी है जिसका जो इम्पोर्टेड चीज़ है, जैसे कि ऐप घड़ी है, मोबाइल है, लैपटॉप है, ये चीज़ वो बॉक्स से वो निकालते थे शातिर तरीके से और उसमें कुछ दूसरा चीज़ जैसे कि साबुन है, कोई दूसरा कोई आलू है, कुछ चीज़ भर देते थे और बराबर जैसा पहला पैकिंग था उस पैकिंग के हिसाब से वो फिर पैक करके वो जो मुद्देमाल है वापस कंपनी में गोडाउन में भेज देते थे। इस तरीके से इन्होंने अपना डिलीवरी बॉय, ऑफलोडर टीम का मेंबर्स, ये सारे शामिल होकर इन्होंने ये फ्रॉड किया। ये इसमें से 3 लोगों को गिरोह को गिरफ्तार किया है। फ्लिपकार्ट कंपनी के टीम लीडर प्रदीप कुमार उपाध्याय का कंप्लेंट दाखिल कर दिया गया, जिसमें 420 चीटिंग का 408 एंड 34 आईपीसी के तहत कोपरखैरने पुलिस में ऑफेंस दाखिल है। अभी तक इन 3 गिरोह से हमने तकरीबन 8,24,000 रुपये के रुपए का मुद्देमाल, जिसमें से कुछ इम्पोर्टेड घड़ीज़ हैं, बढ़िया कंपनी के कुछ मोबाइल्स हैं जैसे कि सैमसंग है, एप्पल है, इसके बावजूद कुछ टैप्स है, उसके बावजूद कुछ कैमराज है और कुछ ट्रैवल बैग्स के, ये मुद्देमाल हस्तगत किया है। कोपरखैरने पुलिस की टीम सीनियर इंस्पेक्टर तिदार के नेतृत्व में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि इन लोगों ने और कितने लोगों को मुद्देमाल देते हुए कंपनी को ठगा है, इसका इन्वेस्टिगेशन जारी है। लोगों ने बेचा नहीं था, इनके पास ही था और ये इसमें से कुछ माल खुद यूज़ करते थे ताकि कंपनी का कंप्लेंट ना होने की वजह से वो जो मोबाइल चोरी किया है वो मोबाइल का कोई ट्रैकिंग नहीं हुआ या इसका कोई ईएमआई नंबर का ट्रैकिंग नहीं हुआ, मोबाइल नंबर ट्रेस नहीं हुआ, इसका ये यूज़ करते थे और कुछ चीज़ें इन्होंने रखी थी। पर मुझे लगता है शायद कि सारा माल इकट्ठा करने के बाद ये इनका आगे बेचने का भी इरादा हो सकता है। वहीं हत्या के एक दूसरे मामले में तुर्वे पुलिस ने आरोपी भानु सिंह तोमर को गिरफ्तार किया है। डीसीपी सुरेश मेंगड़े ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि मृतक विनोद सदाशिव पाटिल वाड़ीलाल केमिकल कंपनी में वॉचमैन का काम करता था। एक रात ड्यूटी के दौरान उसके पास भानुदास तोमर आया और दारू के लिए पैसे मांगने लगा। नहीं देने पर उसने विनोद पाटिल के साथ ऐसी मारपीट की कि उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू की, लेकिन बाद में हत्या का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस ने भानु सिंह तोमर को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच एपीआई दीपक डोंब कर रहे हैं। तुर्वे एमआईडीसी पुलिस स्टेशन के जुरिसडिक्शन में एक वाड़ीलाल केमिकल कंपनी है, जिस कंपनी में 2 सिक्योरिटी गार्ड थे, एक का नाम था विनोद भाई पाटिल और दूसरे का नाम था भानु सिंह तोमर। 12 तारीख को इसी महीने में इसमें जो डेथ है, मयत है विनोद भाई पाटिल, जिसकी डेड बॉडी पुलिस ने बरामद की, जिसमें ज़्यादा कोई इंजुरीज नहीं थी, वो इमीडिएट बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई थी, लेकिन पुलिस को शक था कि इसमें कुछ तो गड़बड़ी है, कोई तो हादसा हुआ होगा ऐसा लग रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर को इंजुरी की वजह से उसका डेथ करके ओपिनियन आया था मेडिकल रिपोर्ट में। टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन और जो कुछ विटनेसेस है इनसे डिटेल पूछताछ के बाद तुर्भे एमआईडीसी पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर क्राइम सुनील कदम और उनकी टीम ने इसमें से इनका जो दोस्त था भानु सिंह तोमर को इसमें गिरफ्तार किया है 302 आईपीसी के कलम में। इसका मर्डर का रीज़न ये था कि ये दोनों साथ में रहते थे, साथ में खाते पीते थे, साथ में सोते थे, लेकिन उस दिन दोनों ने दारू पीने के बाद में
ये जो मयत है विनोद भाई पाटिल, जिसने इसी केबिन में पेशाब किया था और टॉयलेट किया था, तो इसका गुस्सा आने के बाद ये एक्यूज जो है वाड़ीलाल कंपनी का भानु सिंह तोमर, इन्होंने इसको हाथ पांव से बहुत ज़ोर से मारा था बहुत टाइम तक, जिसमें से वो बेहोश हो गया, नीचे गिर गया और उसको सर को चोट आई, इसी में उसकी डेथ हुई। इस एक्यूज को गिरफ्तार किया है, ज्यादा इन्वेस्टिगेशन पूर्वे एमआईडीसी पुलिस कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।